तो मेरे YouTube चैनल पे आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो पे हम लोग बनाएंगे ACDC ऑटोमेटिक ACDC फैन, इन्वर्टर फैन भी इसको बोल सकते हैं। जैसे ही ये बल्ब देख रहे हैं, ये है एक ACDC इन्वर्टर बल्ब। जैसे ही देखिए दोस्तों, इसको हम लोग पीछे से टच करते हैं, ये बल्ब हमारा जलता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग जब लाइन पर लगाते हैं ये भी जलता है, लाइन जाने के बाद भी जलता है। उसी तरह से मैंने भी इस फैन को बनाया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका जब प्लग को टच करेंगे तो ये हमारा फ़ैन अभी चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको छोड़ दिया प्लग, देखिए ये फ़ैन हमारा बंद हो गया। ठीक है दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा AC बोर्ड। इसमें देखिए एक बल्ब को मैंने कनेक्ट किया है, ये अभी चालू है। ठीक है दोस्तों, मैंने इसमें एक होल्डर को लगा लिया दोस्तों, ये हमारा होल्डर। जब इस बल्ब को इसमें लगाएंगे, ये देखिए ये बल्ब अभी ग्लो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हमारा इसमें देखिए लाइट बंद होगा, ये देखिए ये इन्वर्टर बल्ब अभी हमारा चालू हो गया। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोग इस पर लाइन देते हैं, ये देखिए ये लाइन आते ही हमारे ये बल्ब चालू हो गया, बैटरी चार्ज हो रहा है। ऐसे ही हमारा ये फ़ैन भी वर्क करेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों कैसा काम करता है, ये हमारा फ़ैन है। ठीक है दोस्तों, इसको देखिए, जैसे इसमें प्लग इन करेंगे, इसको सप्लाई दिए, ये देखिए अभी हमारा फ़ैन चल रहा है। इसका अंदर है एक बैटरी, ये बैटरी अभी चार्ज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा दोस्तों, इस लाइट अभी बंद हो जाएगा जैसे ही मेंस ऑफ होगा। ये देखिए दोस्तों, मेंस ऑफ हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फ़ैन अभी चल रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम लोग इसमें स्विच को ऑफ करेंगे, वैसे ही हमारा फ़ैन ऑफ हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा मेंस कट है। ठीक है, अभी हम लोग इस पर स्विच देंगे तो ये हमारा फ़ैन अभी चल रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हमारा मेंस आएगा, ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों मेंस आ गया, यह अभी हमारा लाइन से फ़ैन चल रहा है। ठीक है दोस्तों, और इसको हम लोग बंद करेंगे तो ये हमारा फ़ैन बंद हो गया। ये पूरा एकदम बल्ब के जैसा ये काम कर रहा है दोस्तों। जैसे ही हम लोग बल्ब को ऑन ऑफ करते हैं, वैसे ही हमारा फ़ैन वर्क कर रहा है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इस वीडियो के हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, पूरा सर्किट बताऊँगा एक छोटे से इंट्रो के बाद। इस सर्किट को बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा एक ACDC DOB, ठीक है, जिसको इन्वर्टर बल्ब बोलते हैं। ACDC DOB मार्केट में मिलता है, को आप लोग को मार्केट में 20 से 25 रुपये में मिल जाएगा। मार्केट में आप लोग जाइएगा, ACDC बल्ब का DOB सर्किट बोलिएगा तो इस सर्किट को मिल जाएगा। उसी सर्किट को ज़रूरत पड़ेगा। इसमें मैं एक पुराना सर्किट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें हमारा सिर्फ ये जो IC आपका बैटरी कनेक्टर के बगल में रहता है, इसका नंबर है 2886। ठीक है दोस्तों, इस IC को हम लोग का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ इसी IC का ज़रूरत है। देखिए इसमें भी था, मैंने इसको निकाला है, और ये देखिए ये IC इस बोर्ड में था। दोस्तों आप लोगों के पास ये वाला सर्किट है, ये भी एक इन्वर्टर बल्ब का सर्किट है, तो इस सर्किट से भी काम चलेगा। दोस्तों आप लोगों को खाली देखना है ये वाला, जैसे ही हम लोग का बैटरी से लाइट ऑन ऑफ होता है, इस सेक्शन में देखिए ये वाला IC लगा है। यहाँ पे देखिए बैटरी कनेक्टर है, ये बैटरी कनेक्टर का पिन यहाँ से कनेक्ट है, तो ये हमारा IC इसमें लगा है। तो इस IC को भी आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, और लगेगा हम लोग को एक रिले, दोस्तों ये है 12 वोल्ट का रिले, DC 12 वोल्ट। ठीक है, और लगेगा एक IRF Z44N, ये देखिए दोस्तों ये MOSFET। ठीक है, और लगेगा हम लोगों को एक 1K का रेजिस्टेंस दोस्तों, 1K का। ठीक है दोस्तों, और लगेगा एक 12 वोल्ट का एडाप्टर सर्किट। ठीक है, ये 220 वोल्ट से 12 वोल्ट का एडाप्टर का सर्किट है। ठीक है दोस्तों, और हमें लगेगा एक 12 वोल्ट का बैटरी। ठीक है, और लगेगा एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये एक 3 एम्पियर का डायोड। देखिए दोस्तों, ये IC का पिन नंबर पिन के साथ MOSFET का एक नंबर पिन हम लोग कनेक्ट कर लिए हैं, और IC का 4 नंबर पिन के साथ MOSFET का 3 नंबर पिन को कनेक्ट कर लिया है। देखिए दोस्तों, MOSFET का एक नंबर पिन और 3 नंबर के पिन के बीच में एक 10K का रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर लिया है। ये देखिए दोस्तों, IC का 6 नंबर पिन के साथ एक रेजिस्टेंस, 1K का रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर लिया है। देखिए दोस्तों, बैटरी का नेगेटिव को MOSFET के 3 नंबर पिन के साथ कनेक्ट कर लिया है। देखिए दोस्तों, बैटरी का पॉजिटिव को 1K के रेजिस्टेंस के इस वाले पॉइंट पे हम लोग कनेक्ट किए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये रिले का इस पिन के साथ इस पिन को हम लोग कनेक्ट कर लिए हैं। ये देखिए दोस्तों, रिले का इस पिन का इस पिन के साथ हमारा MOSFET का 2 नंबर पिन को हम लोग कनेक्ट कर लिया है। देखिए दोस्तों, रिले का इस पिन के साथ MOSFET का 3 नंबर पिन को कनेक्ट कर लिया है, यह हमारा ग्राउंड पिन है।
दोस्तों रिले का इस पिन के साथ एक डायोड को कनेक्ट किया है, यह है हमारा 5.08 डायोड। इसके साथ इसमें देखिए इस पिन में हम लोग डायोड को कनेक्ट कर लिया है। ये देखिए दोस्तों रेजिस्टेंस का और बैटरी का पॉजिटिव को हम लोग डायोड के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर लिया है। दोस्तों एडाप्टर का पॉजिटिव वायर को देखिए इस पिन के साथ डायोड के पॉजिटिव पिन और रिले का इस पिन को इसमें कनेक्ट किया है इसके साथ कनेक्ट कर लिया है, और नेगेटिव को इस वाले पिन के साथ कनेक्ट कर लिया है। ये हमारा पूरा ग्राउंड पिन है यहाँ से लेकर यहाँ तक और मॉस्फेट का 3 नंबर पिन तक। देखिए दोस्तों इस आईसी का जो हमारा एसी का कनेक्शन था फेज न्यूट्रल का कनेक्शन मतलब 1 नंबर पिन और 8 नंबर पिन। देखिए 1 नंबर पिन के साथ मैं इसको देखिए ये जो हमारा एडाप्टर बोर्ड है इसका देखिए मैं सप्लाई वायर के साथ मतलब इसमें फेज न्यूट्रल जिसमें लगेगा देखिए फेज को मैं डायरेक्ट कनेक्ट किया हूँ, और देखिए इसमें जो न्यूट्रल कनेक्टेड है उसके बीच में देखिए एक रेजिस्टेंस मैं कनेक्ट किया हूँ 560 के का, ठीक है 560 किलो ओम का रेजिस्टेंस मैं इसमें यूज किया हूँ। आप किसी भी वायर में यूज़ कर सकते हैं, इस वाले में भी यूज़ कर सकते हैं और इस वाले में भी यूज़ कर सकते हैं, ये हम लोग को सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए जैसे हम लोग डीसी बल्ब में हम लोग जैसे इसका सप्लाई वायर को टच करते हैं तो हमारा ये सर्किट चालू हो जाता है। देखिए दोस्तों हम लोग इसमें फ़ैन के जगह एक मोटर यूज़ किया है, देखिए मोटर का पॉजिटिव को बैटरी का पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और नेगेटिव को देखिए इसका बीच वाले पिन मतलब रिले का कॉमन वाला पिन के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये हमारा पूरा सर्किट बन के कम्प्लीट हो चुका है, हम लोग एडाप्टर भी कनेक्ट कर लिया है। चलिए इसमें सप्लाई वायर को कनेक्ट करते हैं और इसको हम लोग सप्लाई के साथ 220 वोल्ट के साथ यूज करके देखते हैं। देखिए दोस्तों मैं एक प्लग के साथ इसमें सप्लाई का वायर कनेक्ट कर चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक बार इसी सर्किट में हम लोग इसको चेक करेंगे, ठीक है इस मोटर में, फिर उसके बाद हम लोग इसमें फ़ैन लगाएंगे उसके बाद इसको चेक करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों ये है मेरा सप्लाई बोर्ड, ठीक है इसमें देखिए दोस्तों मैं इसका वोल्टेज दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों इसमें 210 वोल्ट इसमें आ रहा है, ठीक है एसी वोल्टेज। तो चलिए दोस्तों एक बार टेस्ट करके दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों ये अभी हमारा सर्किट काम कर रहा है। ये देखिए दोस्तों हमारा एडाप्टर में लाइन आ चुका है, इस टाइम ये हमारा बैटरी चार्ज हो रहा है और इसी पावर से हमारा मोटर भी चल रहा है। जैसे ही मैं इसको बंद कर दूंगा ये देखिए हमारा मोटर बंद हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर इसको देखिए जब मैं ऑन किया ये देखिए हमारा इससे सप्लाई जाके ये मोटर चल रहा है और ये देखिए बैटरी भी चार्ज हो रहा है, ठीक है दोस्तों। इसको देखिए बंद कर दिए ये देखिए हमारा मोटर बंद हो गया। जब हम लोग इसमें हमारा लाइन नहीं रहेगा या हमारा जब बोर्ड का स्विच ऑन रहेगा, मैं एक बार इसमें सप्लाई देखिए मेरा यहाँ का लाइन बंद करके दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा दोस्तों इसमें अभी देखिए इसमें लाइन नहीं है, देखिए यह हमारा एडाप्टर चालू नहीं हुआ, ठीक है मतलब मेरा इस बोर्ड में अभी लाइन नहीं है, यह आपका ऑफ टाइम है। एक ही स्विच से हमारा ये काम कर रहा है, देखिए दोस्तों इसमें हम लोग का जब स्विच दिया रहेगा एक बल्ब में जैसा काम करता है वैसे ही हमारा ये काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों। एसी डीसी बल्ब आप लोग मार्केट में इसको खरीदते हैं उसी की तरह ये काम कर रहा है। तो चलिए दोस्तों मैं इस पीवीसी बॉक्स में इसको असेंबल करूंगा, इसके बाद आप लोग को दिखाता हूं फैन कनेक्ट करके। मैं इस बॉक्स के अंदर इन सारे कंपोनेंट को सेट कर लिया है, ठीक है दोस्तों ये देख सकते हैं। चलिए दोस्तों ये है मेरा 12 वोल्ट का डीसी फैन, ठीक है इसमें मैं इसके साथ ये यूज़ करूंगा। एक बात दोस्तों इसमें मैं एक छोटा सा बैटरी यूज़ किया हूँ 12 वोल्ट का, और इसके लिए मैं एक 1 एम्पीयर का एडाप्टर यूज़ किया हूँ। चाहते हैं तो आप इसमें बड़ा भी बैटरी यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा बैकअप के लिए, फिर इसमें आपका एडाप्टर का एम्पीयर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसके साथ फैन को कनेक्ट कर लेते हैं, इसका ऊपर मैं इस फैन को इसमें देखिए ऐसे फिट करूँगा, ठीक है दोस्तों फिर आप लोग को दिखा रहा हूँ। दोस्तों मैंने इसके साथ फ़ैन को कनेक्ट कर लिया है, ये देखिए इसमें मैंने इसको फ़ैन में फिक्स किया, ठीक है ये इसका ऊपर का कवर है, ठीक है तो इसको इसमें लगा लेंगे फिर इसके बाद इसको टेस्टिंग करेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमारा फ़ैन बन के कम्प्लीट हो चुका है, ये है हमारा सर्किट डायग्राम ये देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है मैं इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है दोस्तों एक बार देख लीजिए। पूरा कनेक्शन मैंने जैसे वीडियो में दिखाया पूरा कनेक्शन इसमें दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, बाय बाय दोस्तों।